गाड़ी जी, गाड़ी के पास में आ गया हूँ। फाद भाई ने निकलवा दिया। आपको पता है 12 साल से हम सियालकोट में किसी काम पे कर रहे हैं। तो मैंने डिटेलिंग तब स्टार्ट की थी, तब पता ही नहीं था कि डिटेलिंग होती क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो करते हैं जी आज का हम अपना नया व्लॉग शुरू। ऑल्टो जी, आपको पता है पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने बताया था कि मैंने जो है सर्विस के ऊपर गाड़ी दी हुई है, तो आज वो इंशाल्लाह जो ना मिल जाएगी। तो मेरी अभी फहद भाई से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि अफ्तारी के जो ना बाद मैं कोशिश करूँगा आपको गाड़ी दे दूँगी, अफ्तारी से कोशिश करूँगा पहले मिल जाए। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, पहले मिलती है या बाद में मिलती है, या कल सुबह को जो ना मिलती है। मेरे ख्याल से आज दूसरा तीसरा दिन हो गया गाड़ी दिए हुए, तो इंशाल्लाह जैसे ही मिलती है आपको जो ना उसका रिव्यू देते हैं मुकम्मल। काफ़ी दिन पहले जी मैंने बताया था कि पीछे प्लाट है तो उसका काम शुरू करवाना था, तो वो काम शुरू करवा दिया था हमने। तो अभी माशाल्लाह जो ना उसकी दीवार खड़ी हो रही है। ये दो प्लाट थे, इनकी पार्टीशन की है, तो ये दोनों जो ना अलग अलग हो गए हैं। ईंटें वगैरह मैंने मंगवा ली थी हमने सर, तो ये देख रहे हैं अब काम हो रहा है इसका स्टार्ट। तो ये दो जो ना दीवारें लगेंगी इसके अंदर। ये जी आप देखें, कल मैंने सारा जो सारा ईंटें वगैरह उतरवाई हैं इधर, और ये तकरीबन जो सा ना ये वाला और ये वाला एक ही प्लाट था, इसकी हमने दो पार्टीशनें की हैं। एक इस तरफ पे बिल्डिंग बनाएंगे और इस तरफ हम बिल्कुल खाली जो सा ना इसको रखेंगे। तो दो पार्टीशनें हमने इसकी की हैं, तो अभी सेंटर में इसकी दीवार जो सा ना वो लगा रहे हैं। तो काफ़ी दिन से जो सा ना तकरीबन 3-4 दिन से काम शुरू हुआ था, मैं बस व्लॉग के अंदर ले नहीं सका ये चीज़, तो बस काम अभी बड़ी स्पीड से स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह इसकी जो था ना आपको अपडेट देते रहेंगे कि यहाँ पे क्या बनाना है तो क्या करना है। तो काम जो था ना शुरू करवा दिया, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैंने कहा ये भी चीज़। तो अभी देखिए मजदूर भी लगे हुए हैं और जो था ना दीवार सारी बना रहे हैं। काम जी ये शुरू करवा दिया था, तो अभी देखते हैं कितने दिन जो था ना इसको और मज़ीद लगते हैं। अभी तो खैर 3-4 दिन ही हुए ऐसे शुरू हुए हुए, अभी तो सिर्फ हमने जो सा ना इसकी पार्टीशन की है दो प्लाटों की। तो देखते हैं आगे मज़ीद कितना जो सा ना ये चलता है, साथ साथ आपको इसका दिखाते रहेंगे। तो जो जो होता है इसका तो काम हो रहा है। रेत भी मंगवा ली है हमने, सीमेंट भी आ गया अंदर, और ईंटें भी जो सा ना मैंने बाहर से कहा था कि एक्स्ट्रा जो सा ना मंगवा के रख लो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो और मंगवा लेंगे। फहद भाई का जी मुझे फ़ोन आया था तकरीबन रात के टाइम अफ्तारी के बाद, तो कहते हैं आपकी गाड़ी तैयार हो गई है तो आप आके जो सा ना ले जाएं। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं सुबह ही आऊँगा, अभी मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, मैं कहीं बाहर आया हूँ, तो जिसकी वजह से जो सा ना सुबह मैं फ़र्स्ट टाइम आऊँगा तो आपसे आके गाड़ी ले जाऊँगा। तो अभी मैं फहद भाई के पास आ गया हूँ गाड़ी लेने। तो माशाल्लाह गाड़ी इतनी ज़बरदस्त हो गई है, ज़ीरो हो गई है गाड़ी, पहले नहीं थी, लेकिन वो ये ऐसी कंडीशन हो गई है गाड़ी की जैसे अभी कोई वाकई शोरूम से ही निकाली है गाड़ी, इतनी ज़बरदस्त हो गई है। यहाँ पे कबूतर भी रखे हुए हैं पीछे, मैं आया हूँ इनके, तो काफ़ी ज़्यादा जो सा ना अब नस्ल वगैरह का तो मुझे नहीं पता कौन से हैं, लेकिन कबूतर अच्छे लग रहे हैं। चलते हैं आपको जो सा ना गाड़ी की तरफ लेके चलते हैं, गाड़ी आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी है फहद भाई ने, ये भी जो सा ना वो तैयार की है मुकम्मल, इसकी भी डिटेलिंग और कंपाउंड पॉलिश हुई है। गाड़ी जी, गाड़ी के पास मैं आ गया हूँ, फहद भाई ने निकलवा दी और माशाल्लाह गाड़ी बहुत ही शानदार जो सा ना वो तैयार हुई है। फहद भाई ने वाकई इसके ऊपर जो सा ना वो मेहनत की है और पता लग रहा। तो ये आप देखें गाड़ी की लुक माशाल्लाह, अभी फुल लुक भी मैं आपको इसकी दिखाता हूँ सारी, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं इसके अंदर जो सा ना ऐड कर दूंगा, तो वो भी आप देखिएगा। पहले भी आपने देखी थी गाड़ी की लुक और अभी भी जो सा ना आप देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। बाकी फुल लुक आपको जो सा ना ऐड हो जाएगी इसके अंदर, वो आप तसल्ली से जो सा ना देखें। फहद भाई जी गाड़ी माशाल्लाह खड़ी है आपके सामने, तो फहद भाई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो सा ना सर, बहुत अच्छा काम है। आपको पता है 12 साल से हम सियालकोट में किसी काम पे कर रहे हैं, तो मैंने डिटेलिंग तब स्टार्ट की थी, तब पता ही नहीं था कि होती क्या है। हम बोनट पे टेप लगा के सेंट लगा के देखे यार ये देखे, इस तरह भी कंपाउंड होती है, इस तरह भी होती है, इस तरह भी होती है। तो हम बस अपने प्रोफेशनल सासिंग से हैं, वो अगर आप प्रोफेशनल सासिंग से हैं तो कस्टमर को ऑलरेडी को भी अच्छा लगती है इंशाल्लाह। तो हम ही जो सर वो आपका सिखाते हैं सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत मदद है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया, तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा एक्सप्रेस वॉश है डिफेंस रोड के ऊपर,
यहाँ पे आए, इनसे काम कराए, सली को काम किया जाता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है गाड़ी, सारा आपको रिव्यू में गाड़ी का जो है वीडियो एक लगा दूंगा, जिसने आप उसको चेक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह। तो जी गाड़ी माशाल्लाह अपनी बहुत ही शानदार जो सा ना वो तैयार हो गई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया फहद भाई ने। गाड़ी जी माशाल्लाह ये पहले ही बहुत ज़्यादा न्यू थी, और माशाल्लाह फहद भाई ने, फहद भाई के हाथ लगे हैं इसको, तो माशाल्लाह गाड़ी जो सा ना वो इस तरह ही लग रहा है जैसे मैं शोरूम से निकाल कर लेके आ रहा हूँ। तो माशाल्लाह फहद भाई आपका काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, माशाल्लाह आप अल्लाह पाक आपके काम के अंदर बरकत डाले, और आप बहुत अच्छा काम करते हैं शहर के अंदर। आपका एक नाम है एक्सप्रेस वाश डिफेंस रोड के ऊपर, तो अल्लाह पाक आपके कारोबार में जो सा और मज़ीद इजाफा करे। ऑफिस की तरफ चलते हैं जी, तो भाई इंतज़ार कर रहे हैं छोटे, वो कह उनका फ़ोन मुझे रास्ते में भी आया कि आप कितनी देर में पहुँचेंगे। मैंने कहा बस मैं रास्ते के अंदर हूँ, तो मैं पहुँचता हूँ तो फिर आपको जो सा ना गाड़ी दिखाता हूँ। तो सारे इंतज़ार के अंदर हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ। रईस के साथ जी मैं बाहर आया हूँ इस टाइम, तो रईस आप क्या कहाँ जा रहे हो, आप कटिंग करवाने जा रहे हो? हाँ। कटिंग वाला अंकल तो अभी आए नहीं है, वो हाँ वो कह रहे हैं अभी इसको नहीं लेके आना आपने, जब मैं कहूँगा फिर लेके आना। फिर आप कहाँ जाए, चक्कर लगाने चले? रईस की कटिंग नहीं हुई जी अभी, जो भाई रईस की कटिंग करते हैं तो अभी तक वो आए नहीं है दुकान पे। दरअसल जी अभी 45 मिनट हो चुके हैं अफ्तारी हुए हुए, तो अभी एकदम से कोई भी नहीं आता, तो हम लोग एकदम जो सा ना अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के बाहर निकल आए हैं। तो भाईजन कह रहे हैं कि अभी जो सा ना मुझे घंटा डेढ़ लग जाएगा आते हुए, तो अफ्तारी के एकदम बाद कोई भी अपनी शॉप पर नहीं आता। तो मैंने कहा चलो रईस को बाहर लेके जाता हूँ, इतना रईस का चक्कर भी लग जाएगा, अगर कटिंग वाला हुआ तो इसकी कटिंग भी करवा देते हैं। लेकिन कटिंग वाला अभी नहीं आया, तो अब कटिंग मेरे ख्याल से कल पे पड़ गई है। क्या आपकी कटिंग कल को करवा दूं मैं? हाँ। हैं? कल को करवा दूं? ठीक है ठीक है जी। रईस रईस कह रहा है जी कल करवा दें कटिंग, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी आपकी रईस कटिंग कल करवा देते हैं।
तो जी घर आ गया था मैं, तो इसी के साथ साथ करते हैं हम आज का अपना ब्लॉग खत्म। आपने मुझे बताना है कि ऑल्टो VXR आपको कैसी लगी है, तो जनरल सर्विस इसकी कैसी हुई है आपने मुझे लाजमी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।